अपोजिट वर्ड्स पार्ट 3। फर्स्ट वर्ड इज न्यू, नया, ओल्ड, पुराना। पार्ट, इट्स अपोजिट इज होल। टू अंडरस्टैंड दिस, आपने देखा है बर्थडे में केक आता है, वो एक पूरा केक होता है, मींस दैट्स द होल केक। फिर उसके पीसेस करते हैं एंड उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आप उसका एक पीस लेते हैं, मींस आप उसका पार्ट लेते हैं, एक भाग या हिस्सा। नेक्स्ट वन इज प्लेन, मींस सादा, जिसमें कलर ना हो या डिजाइन ना हो। इट्स अपोजिट इज फैंसी, मींस डिजाइनर, जिसमें कलर एंड डिजाइन हो। आपने सुना होगा फैंसी ड्रेस। पुश एंड पुल, जब हम किसी मॉल या ऑफिस को विजिट करते हैं तो डोर पर वन साइड लिखा होता है पुश एंड अदर साइड पर पुल होता है। मींस पुश मींस धक्का दीजिए एंड पुल मींस खींचिए। नेक्स्ट वन इज रिच, अमीर, जिनके पास बहुत सारा मनी होता है एंड वो चीजों को जो भी चाहते हैं उसे परचेज कर लेते हैं। पुअर, जिनके पास मनी नहीं होता और दे लैक इन अफोर्डिंग फैसिलिटीज, इवन कभी कभी वो अपना फूड भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ऐसे पर्सन को पुअर बोलते हैं। राइट, सही, रॉन्ग, गलत। सैड, उदास, निराश। हैप्पी, खुश। टेस्टी, जो खाने में बहुत अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मॉम कुक्स टेस्टी फूड, या कभी कभी आपने कोई डिश खाई होती है और वो बहुत ही टेस्टी लगती है आपको, मीन्स दैट्स अ वेरी डिलीशियस डिश। इट्स अपोजिट इज टेस्टलेस, मीन्स जिसमें बिल्कुल भी टेस्ट ना हो। हमने फर्स्ट टाइम पास्ता बनाया था और उसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था, सो द पास्ता दैट आई कुक फर्स्ट टाइम वॉज कम्प्लीटली टेस्टलेस। टाइडी मीन्स साफ सुथरा, बहुत ही नीट एंड क्लीन। इट्स अपोजिट इज अनटाइडी, मीन्स गंदा या जो चीज साफ ना हो। नेक्स्ट वन इज वीक, वीक मीन्स कमजोर, जिसके पास स्ट्रेंथ नहीं होती है। इट्स अपोजिट इज स्ट्रॉन्ग, जो बहुत ही ताकतवर होता है, जिसके पास स्ट्रेंथ होती है उसे हम स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। नोटिस हियर वन थिंग, द स्पेलिंग ऑफ वीक, WEAK, एंड वन थिंग हियर होल्ड, WHOLE, people often confuse with spellings. Last one is wet, गीला, dry, सूखा। हम wet clothes को धूप में डालते हैं dry करने के लिए। So we completed all three tables given in this chart, which is attached to the Grammar Connect book of second standard. In next video, we will learn about words and their synonym. So watch the next video, and if you gain some knowledge, then like, share and subscribe.